नमस्कार मित्रों, हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ हमारे जेबी एनसीएबी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन के माध्यम से अपना जो एवीएम का एग्जामिनेशन है उसका मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने वाला हूँ। मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी, इसमें जो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है उसे मैं आज डिस्कस करूँगा। बेसिकली इस लेसन का पर्पस ये है कि आपको पता है, आप चूंकि ये सब फॉर्मूला पहले भी देख चुके हैं तो एक बार और देख लेंगे तो दिमाग में वो बैठ जाएगा और यदि इससे क्वेश्चन पूछा गया तो आप आसानी से इसे आंसर कर पाएंगे। तो यही पर्पज़ है इस पर्टिकुलर वीडियो को लाने का। तो कम से कम इतना फॉर्मूला तो आपके फिंगर टिप्स पे होना ही चाहिए यदि आप कल एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं अपने एवीएम एग्जामिनेशन एवीएम पेपर का। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस यूनिट को। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल ए से। मॉड्यूल ए से शुरुआत करते हैं दोस्तों, मॉड्यूल ए से शुरुआत करते हैं। तो पहला फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो हम बताते हैं आपको। देखिए, करेंसी इन सर्कुलेशन, इसका दो पार्ट है, करेंसी विथ पब्लिक प्लस बैंक डिपॉजिट। ठीक है, ये दो चीज़ ध्यान रखिएगा। करेंसी इन सर्कुलेशन इज इक्वल टू करेंसी विथ पब्लिक प्लस बैंक डिपॉजिट। ठीक है, तो यहाँ से ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। इससे क्वेश्चन आता है मनी सप्लाई वाले टॉपिक में कि आपसे पूछेगा कि सर्कुलेशन का करेंसी कैसे निकालेंगे। तो जो जनता के पास पैसा है और प्लस बैंक में जो पैसा जमा है यही होता है सर्कुलेशन में। अच्छा, आप पब्लिक के पास जो पैसा है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जितने भी कॉइन्स हैं जितने भी नोट्स हैं। ठीक है, या तो सिक्का होगा यानी तो नोट होगा, दो ही चीज़ हो सकता है ना। ठीक है, अब दोस्तों एक है नैरो मनी। नैरो मनी को हम लोग M1 भी कहते हैं। इसमें क्या आता है, करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। ठीक है, ये तीन चीज़ है हमारा नैरो मनी का पार्ट। पब्लिक के पास करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। यदि हम बात करें M2 की तो M2 में M1 तो आएगा ही आएगा प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट आ जाएगा। और यदि हम बात करें ब्रॉड मनी की यानी कि M3 की तो M3 में भी M1 आएगा प्लस टर्म डिपॉजिट विद बैंक आएगा। तो देखिए M1 दोनों में आ रहा है, चाहे M2 में हो चाहे M3 में हो। ठीक है, तो M1 में भी आएगा, M3 में भी आएगा और नैरो मनी हमारा M1 होता है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, इससे केस स्टडी आने की संभावना है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला M4 का फॉर्मूला। M4 में क्या है दोस्तों, M4 इज इक्वल टू M3। M3 में क्या बताया आपने, M3 में बताया मैंने कि M1 प्लस टर्म डिपॉजिट विद बैंक। M4 में क्या आएगा, M3 प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट एक्सेप्ट NSC ऑफ पोस्ट ऑफिस। NSC क्या होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को एक्सक्लूड करके बाकी किसी भी तरह का पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट को हम लोग M4 में लेते हैं। अच्छा, अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, M2 में भी पोस्ट ऑफिस ले रहे थे, M4 में भी पोस्ट ऑफिस ले रहे थे, लेकिन कौन अंतर क्या है। अंतर ये है कि M2 में हम लोग पोस्ट ऑफिस का केवल सेविंग डिपॉजिट लेते हैं और M4 में दोस्तों पोस्ट ऑफिस का हर एक तरह का डिपॉजिट लेते हैं, चाहे वो सेविंग वाला हो या वो टर्म डिपॉजिट हो, लेकिन NSC को नहीं लेना है। अच्छा दोस्तों, यदि आपसे डिमांड डिपॉजिट के बारे में पूछा जाए तो बैंक का सेविंग अकाउंट प्लस करेंट अकाउंट प्लस मार्जिन ऑफ LC एंड BC। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि मनी मल्टीप्लायर का, याद रखिएगा, वो होता है M3/M1। ठीक है, M3/M1 याद रखिएगा क्या होता है हमारा मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। दोस्तों वेलोसिटी ऑफ मनी का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, नॉर्मल GDP को नोमिनेटर में, एवरेज अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन को डिनोमिनेटर में। तो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ मनी का एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो कि आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, GDP डिफ्लेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नॉमिनल GDP/रियल GDP। अब नॉमिनल रियल क्या होता है मैं थोड़ा बता देता हूँ। नॉमिनल GDP का मतलब ये हुआ कि GDP एट करेंट प्राइस। ठीक है, मतलब करेंट प्राइस पे जो GDP होता है उसको नॉमिनल GDP कहते हैं। और रियल GDP का मतलब ये हुआ कि GDP एट बेस प्राइस। तो हम कोई बेस ईयर लेते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग GDP कैलकुलेट करते हैं तो वो रियल GDP होता है। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है नॉमिनल GDP करेंट ईयर प्राइस और रियल GDP बेस ईयर प्राइस। ठीक है, GDP दोस्तों यदि हमें एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना हो, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एक्सपेंडिचर मेथड की। आपको मैंने बताया तीन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और प्रोडक्शन मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड से C+I+D+X-M। सी कंजम्पशन है, आई इन्वेस्टमेंट है, जी आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इनकम है, एक्स एक्सपोर्ट है, एम इम्पोर्ट है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको मैं सब कुछ इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं समझाता हूँ। इस यदि आप इस चार्ट को समझ जाएंगे तो एक केस स्टडी निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो दोस्तों आपको इस केस स्टडी को सॉल्व करना, केस स्टडी को आएगा क्वेश्चन तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों आइए इसको समझते हैं, मैं आपको एक ट्रिक भी समझाता हूँ दोस्तों। देखिए एक ट्रिक है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है, जिसको आप याद रखेंगे तो आपको ये फॉर्मूला पूरा याद रहेगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों मैं आप लोगों को, देखिए एक ट्रिक याद रखिए कि आपको जैसे आपका
आपका सैलरी आता है दोस्तों, तो सैलरी में सबसे पहले आपको क्या मिलता है, एक नेक होता है आपका ग्रॉस सैलरी होता है ना, और दोस्तों एक होता है आपका नेट सैलरी। तो ज्यादा क्या होता है बताइए, तो ज्यादा होता है आपका ग्रॉस, ठीक है, और प्लस उसमें क्या कुछ डिडक्शन होता है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए एक टर्म है जी और एक टर्म है एन, ठीक है, और यहाँ पे जुड़ेगा वो होता है हमारा डेप्रिसिएशन। क्या होता है दोस्तों? डेप्रिसिएशन। अब आपको जरा समझिए जी और एन क्या है, कि जैसे मान लीजिए आपको जीडीपी है और आपको एनडीपी निकालना है, तो डेप्रिसिएशन जोड़ दीजिए, यानी कि एनडीपी जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। वही देखिए यहाँ लिखा हुआ है एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, याद हो गया आपको। देखिए ये तरीका था बस याद करने का, आपने सैलरी से रिलेट कर लीजिए। उसी तरह यहाँ देखिए जीएनपी पता है आपको और एनएनपी निकालना है, तो डेप्रिसिएशन क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, क्लियर है। चलिए एक पॉइंट तो मैंने आपको क्लियर समझा दिया, उसके बाद दोस्तों एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप जैसे आप मान लीजिए आप अल्फाबेटिकली देखिए, अल्फाबेटिकली दोस्तों पहले क्या आता है, पहले आता है दोस्तों हमारा डी, ठीक है, बाद में क्या आता है आपका एन आता है, यही आता है ना। तो दोस्तों एन इज इक्वल टू डी प्लस समथिंग, ठीक है, ये एन क्या है दोस्तों, ये है जी एन पी, और ये डी क्या है दोस्तों, जी डी पी, और ये समथिंग क्या है, नफिया, ठीक है। तो यदि आपको जीडीपी से जीएनपी निकालना है तो नफिया को जोड़ना पड़ेगा। नफिया क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो देखिए जीडीपी एमपी से यदि हम जीएनपी एमपी पे आएंगे तो नफिया को ऐड किए, उसी तरह एनडीपी एमपी से यदि एनएनपी एमपी पे आएंगे तो नफिया को ऐड किए, क्योंकि यहाँ पे देखिए डी है और यहाँ पे क्या है एन है, ये डी से एन में जब भी जाएंगे तो नफिया को जोड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस पॉइंट को काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ। अब जरा इस चार्ट को देखिए, यहाँ तक तो आपको कॉर्नर तो समझ में आ गया कि कॉर्नर वाले फैक्टर में कैसे आते हैं, ठीक है। चलिए आप थोड़ा अंदर घुसते हैं, इस पार्टिकुलर स्क्वायर के अंदर जरा घुसते हैं और अंदर वाला पॉइंट को जरा समझते हैं दोस्तों। ये है जी डी पी एफ सी, ये क्या है, ये है जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट, जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट। और दोस्तों उसी तरह आपका सब मान लीजिए कि आपको जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो पहले जी डी पी एट एम पी निकालेंगे, मार्केट प्राइस, एम पी क्या है दोस्तों, मार्केट प्राइस है। उसमें से आईटी इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दोनों को माइनस करें, पहले दोनों को जोड़ दीजिए फिर घटा दीजिए, यानी कि यदि आपको कहा जाए कि जीडीपी एफसी बताओ क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, पहले जीडीपी एमपी निकालेंगे, क्या क्या डाटा दिया हुआ है उसको देखिए, जीडीपी एमपी निकालिए, उसमें से आईटी प्लस सब्सिडी को घटा दीजिए, ठीक है। ये माइंड मैप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग आसानी से फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी निकाल सकते हैं। उसी तरह मान लीजिए आपको जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने कहा गया, तो जी एन पी एट मार्केट प्राइस निकाल लीजिए, उसमें से आई टी और सब्सिडी को तो जोड़े घटा दीजिए, उसी तरह एन डी पी एफ सी है, एंड एन पी एफ सी है। तो होपफुली आपको ये टेबल क्लियर हो गया होगा, तो ये टेबल आपको रिविजन पर्पज से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, इसे एक बार देख के जाइए, एक बार खुद से बनाइए, याद रहेगा, निश्चित रूप से आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे प्रॉब्लम को। उसके अलावा दोस्तों अब हम लोग यूनियन बजट टॉपिक पे आते हैं। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो यूनियन बजट टॉपिक में एक फॉर्मूला आपको याद रखना है नेशनल इनकम का। तो नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो नेशनल इनकम निकालते हैं दोस्तों जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नफिया माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ठीक है। अच्छा नेट टैक्स रेवेन्यू ये कैसे निकलता है, तो नेट टैक्स रेवेन्यू कैसे निकलता है, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू माइनस एनसीजीडी, इसको भी आप अपना नेट सैलरी और ग्रॉस सैलरी से रिलेट कर लीजिए, ये एनसीजीडी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकलता है, डेफिसिट कभी भी रहे ना तो रिसिप्ट माइनस एक्सपेंडिचर, ऐसे याद रख लीजिए, जैसे यहाँ डेफिसिट है तो रिसिप्ट माइनस एक्सपेंडिचर, यहाँ ग्रॉस डेफिसिट है तो टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, यदि कैपिटल डेफिसिट कहेगा तो कैपिटल रिसीव माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, नेट फिस्कल डेफिसिट कहेगा तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट लैंडिंग, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट कहेगा तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। ये सब एकदम की फॉर्मूला है जैसे यहाँ से केस स्टडी बनते हैं, तो एक केस स्टडी आपका यूनियन बजट से भी बनेगा तो उसमें ये सब फॉर्मूला का यूज होगा, एक केस स्टडी आपका जीडीपी वाले टॉपिक से बनेगा तो ये सब फॉर्मूले का यूज होगा, एक केस स्टडी आपका बनेगा मनी सप्लाई से तो ये सब फॉर्मूले का यूज होगा। चलिए उम्मीद है दोस्तों क्लियर होते चल रहा है। अब दोस्तों हम लोग मॉड्यूल बी पे आते हैं, मॉड्यूल बी में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आपको मैं सब समझाता हूँ। तो दोस्तों देखिए एक तो आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना आना चाहिए, तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू टाइम्स 1 प्लस आर होल टू द पावर एन। अब ये आर क्या है, एन क्या है, एन है दोस्तों नंबर ऑफ कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको दो साल का समय दिया गया और कंपाउंडिंग है ईयरली, तो एन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। और दोस्तों आर क्या है, रेट पर एनम है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम या आपका पर कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब दोस्तों इसी फॉर्मूला में से पी वी हो जाएगा एफ बी अपॉन वन प्लस आर होल टू द पावर एन, इसको हम लोग एफ बी इंटू डी एफ भी कहते हैं। डी एफ क्या होता है, डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है। अब दोस्तों मैं डी एफ के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ,
डीएफ कैसे निकालते हैं, तो डीएफ कुछ नहीं बल्कि डिस्काउंटिंग फैक्टर है। और डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकाला जाता है दोस्तों, देखिए ऐसे, तो डीएफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर होल टू द पावर है, ये होता है हमारा डीएफ। चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं दोस्तों। यदि ऑर्डिनरी एन्यूटी का प्रेजेंट वैल्यू निकालने को कहा जाए तो फॉर्मूला है ए डिवाइडेड बाई आर इंटू 1 प्लस आर होल टू द पावर एन अपॉन, ये फैक्टर याद रखिएगा। यदि एन्यूटी ड्यू का पी वी निकालने कहा जाए तो ये फॉर्मूला है आपका, ए डिवाइडेड बाई आर यहाँ भी है लेकिन ये एक्स्ट्रा टर्म है। तो जब भी ऑर्डिनरी एन्यूटी से एन्यूटी ड्यू पे आते हैं तो 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा भी आप इसको याद रख सकते हैं। यदि एफ भी पूछा जाए ऑर्डिनरी एन्यूटी का, तो देखिए यहाँ भी आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ दोस्तों ताकि और अच्छे से क्लियर हो आपको। तो एफ ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी ए डिवाइडेड बाय आर इनटू 1 प्लस आर होल टू द पावर एन माइनस 1 और एन्यूटी ड्यू का मैं 1 प्लस आर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बॉन्ड प्राइस का फॉर्मूला आपको बताना चाहिए। बॉन्ड प्राइस निकालने का फॉर्मूला है, देखिए बॉन्ड प्राइस में क्या करते हैं कि एक हमारा होता है दोस्तों, एक हमारा जो एन्यूटी है उसका लेंगे और एक हमारा फिक्स रहेगा। तो इसके लिए एफ बी अपॉन 1 प्लस आर होल टू द पावर एन लेंगे और ए डिवाइडेड बाय आर इनटू 1 प्लस आर होल टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन बार बार आते हैं। ड्यूरेशन निकालने का फॉर्मूला है समेशन ऑफ पी वी इंटू टी अपॉन समेशन ऑफ पी वी, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। अब दोस्तों ये जो ड्यूरेशन हमें मिलता है इसे मैकलॉ ड्यूरेशन कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, मैकलॉ ड्यूरेशन। लेकिन यदि मान लीजिए हमें मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालना है तो उसको 1 प्लस वाई टी एम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा, मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालने के लिए मैकलॉ ड्यूरेशन को 1 प्लस वाई टी एम से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है हमें। इसके अलावा दोस्तों यदि करंट यील्ड आपसे पूछा जाए, करंट यील्ड कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, कूपन को लिखना है न्यूमरेटर में और मार्केट प्राइस को लिखना है डिनोमिनेटर में। कूपन अपॉन मार्केट प्राइस आपका क्या होता है, करंट यील्ड होता है। उम्मीद है दोस्तों ये सब क्लियर हो रहा है आपको। आगे देखते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस को। देखिए एक होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है। 1 प्लस आर बाय एन होल टू द पावर एन टी माइनस 1, आर है क्या, आर है दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन क्या है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, एन क्या है दोस्तों नंबर ऑफ कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी और टी क्या है टाइम, ठीक है। तो ये फॉर्मुला याद रखिएगा। रियल कैश फ्लो निकालने कहा जाए तो उसका फॉर्मूला है नॉमिनल कैश फ्लो अपॉन 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। ईएमआई कैसे निकालेंगे, तो ईएमआई के लिए दोस्तों ये फॉर्मूला यूज क्या करेंगे हम लोग, देखिए ईएमआई बेसिकली एक तरह का एन्यूटी ही होता है, तो कुछ नया नहीं है ये फॉर्मूला, पी इंटू आर इंटू 1 प्लस आर होल टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर होल टू द पावर एन माइनस 1। ये फॉर्मूला याद रखिएगा ईएमआई को निकालने के लिए। दोस्तों यदि वाई टी एम का फॉर्मूला आपका आ जाए तो वाई टी एम का फॉर्मूला होगा दोस्तों सी प्लस एफ बी माइनस एम पी डिवाइडेड बाई एन डिवाइडेड बाई एफ बी प्लस एम पी डिवाइडेड बाई 2, ये होता है हमारा वाई टी एम का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले को देखते हैं, स्टैंडर्ड एरर। अब देखिए सैम्पलिंग से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं बता दूं, यदि पॉपुलेशन आपका इनफाइनाइट है तो स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है सिग्मा अपॉन रूट एन, ठीक है। और यदि पॉपुलेशन आपका फाइनाइट है तो फॉर्मूला तो क्या करना है, ये मल्टीप्लायर होता है, इसे कहते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर, क्या है अंडर रूट एन माइनस एन अपॉन एन माइनस 1। अब आप पूछेंगे कैपिटल एन क्या है स्मॉल एन क्या है, मैं समझा देता हूँ दोस्तों, ये एन है आपका सैंपल साइज और ये कैपिटल एन है आपका पॉपुलेशन साइज, तो दोनों में क्लैरिटी रखिए, कैपिटल एन क्या है स्मॉल एन क्या है। व्हाट इज कैपिटल एन, कैपिटल एन इज पॉपुलेशन साइज, स्मॉल एन इज सैंपल साइज, ठीक है। तो इसको आप लोग स्टैंडर्ड एरर निकाल सकते हैं। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो वेरियंस का अंडर रूट कर लीजिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। अब दोस्तों वेरियंस निकालने का दो चीज है, एक आपको यदि सैंपल के लिए वेरियंस पूछा जाए तो एन माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, यदि पॉपुलेशन के लिए वेरियंस पूछा जाए तो एन से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और फॉर्मूला ये आपका है समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यहाँ भी समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अच्छा दोस्तों अब हम लोग आते हैं कोरिलेशन वाले टॉपिक पे, तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कोवेरियंस का। तो कोवेरियंस का याद रखिएगा फॉर्मूला समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। बेसिकली कोवेरियंस निकालने के लिए हम लोग टेबुलर मेथड का यूज करते हैं, आपको पता होगा हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है इस पार्टिकुलर यूनिट को। उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारा 21 नंबर यूनिट, आइए जरा डिस्कस करते हैं दोस्तों 21 नंबर अपना फॉर्मूला को देखते हैं। दोस्तों एक आपसे पूछा जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कोवेरियंस एक्स वाई को न्यूमरेटर में लिखना है और सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई को डिनोमिनेटर में लिखना है। यदि आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, इसे हम लोग देखिए सिंपल सी बात है, आपको मैंने वेरियंस ऊपर बताया ना, आपको देखिए यहाँ वेरियंस बताया ना, तो वेरियंस का ही तो अंडर रूट हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो इस वेरियंस का आप अंडर रूट ले लीजिए तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो वेरियंस का अंडर रूट ले लीजिए,
यदि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना रहे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एक तो ये फॉर्मूला है ना, और एक ये भी फॉर्मूला है, समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये वाई बार क्या है, एक्स का मीन है, एक्स का मीन है, वाई बार वाई का मीन है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको इसका मैंने ट्रिक भी समझाया था कैसे इसको आप लोग इसको याद रख सकते हैं। चलिए उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूले को देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका रेग्रेशन लाइन का इक्वेशन है, तो ये है वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो जैसे मान लीजिए ये अपना लाइन है, ठीक है, ये अपना लाइन है ए प्लस बी एक्स का। तो दोस्तों इसमें आपको पता होना चाहिए कि वाई हमारा, ये जो ए है वो हमारा क्या है, देखिए ए दोस्तों हमारा यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ए हमारा वाई इंटरसेप्ट है, ये हमारा ए है, ठीक है, ए इज वाई इंटरसेप्ट। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेग्रेशन लाइन। तो जब भी आपको रेग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप लोग इसे फॉर्म करते हैं। ए निकालने का तरीका, बी निकालने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें ए और बी कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों बी को कहते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेग्रेशन, है ना, और इसका फॉर्मूला है समेशन एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई माइनस ये वाला, ठीक है। और दोस्तों बी निकालने का, यदि मान लीजिए एक्स बार जीरो आ रहा है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, और जनरली एक्स बार जीरो होगा तो देखिए ये टर्म गया तो आपका ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बी निकालने का फॉर्मूला है, और ए निकालने के लिए क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू वाई माइनस बी एक्स में पुट कर देंगे, ठीक है, तो हमारा ए निकल जाएगा। तो टाइम सीरीज का क्वेश्चन इसी बेसिस पे आता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग एक, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, देखिए एक एक साइक्लिकल ट्रेंड होता है दोस्तों, उसमें ये ट्रेंड मेथड यूज होता है। तो उसमें फॉर्मूला याद रखिएगा वाई माइनस वाई बार इन टू 100, ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। वाई क्या है, ऑब्जर्व्ड है, वाई बार क्या है दोस्तों आपका एस्टिमेटेड है, ठीक है। तो आपने जब टाइम सीरीज में जो आप लोग साइक्लिकल रेसिडुअल मेथड यूज करते हैं, याद होगा आपको दोस्तों जब आप लोग रेसिडुअल मेथड यूज करते हैं तो ये फॉर्मूला काम में आता है, ठीक है, साइक्लिकल रेसिडुअल मेथड में ये फॉर्मूला काम में आता है, ठीक है। वाई आपका होता है दोस्तों ऑब्जर्व्ड, और वाई बार होता है दोस्तों आपका एस्टिमेटेड, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं, ये आपका एस्टिमेशन वाले टॉपिक से है। तो एक आपका जेड का फॉर्मूला है, जेड वैल्यू इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा एक्स, ठीक है, या डिफरेंस अपॉन एस आर, ठीक है। एक दोस्तों रिलेटिव साइक्लिकल रेसिडुअल मेथड है, ये होता है दोस्तों, ये क्या होता है हमारा वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय वाई बार इनटू 100, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय फॉर्मूला ये इनटू 100। तो ये आपका रिलेटिव साइक्लिकल रेसिडुअल का फॉर्मूला है वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय वाई बार इनटू 100। फिर दोस्तों आपको कभी कभी रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड पूछा जाता है, तो वो कैसे निकलेगा, कूपन प्लस प्राइस सेंस अपॉन मार्केट प्राइस और इन्वेस्टमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन बार बार आया, पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा कूपन प्लस प्राइस चेंज अपॉन मार्केट प्राइस या इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब दोस्तों मॉड्यूल डी का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, लेट अस डिस्कस सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेस्ड ऑन मॉड्यूल डी। तो एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा करंट रेशियो का, सी ए अपॉन सी एल, क्विक रेशियो का याद रखिएगा क्यू ए अपॉन सी एल, क्यू ए क्या है, क्विक एसेट है, करंट एसेट वो एसेट होता है जिसको आप एक साल में कैश में बदल सकते हैं। चलिए तो ये दो फॉर्मूला याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आप कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान रखिएगा किस चीज़ का, तो दोस्तों डेप्ट इक्विटी रेशियो का, जिसे हम लोग डी ई आर कहते हैं, ठीक है, तो ये होता है एल टी एल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी अपॉन टेंजिबल नेटवर्थ। टेंजिबल नेटवर्थ कैसे निकलता है, नेटवर्थ माइनस इनटेंजिबल एसेट से। नेटवर्थ कैसे निकलता है दोस्तों, कैपिटल प्लस रिजर्व से, देखिए आपस में कोरिलेटेड है सर। तो आप पहले नेटवर्थ निकालेंगे कैपिटल और रिजर्व जोड़ के, फिर टेंजिबल नेटवर्थ निकालेंगे इनटेंजिबल एसेट को घटा के, फिर यहाँ पुट करेंगे, समझ में आ रहा है, तभी आप लोग डेप्ट इक्विटी रेशियो को निकालेंगे। अब दोस्तों एक फॉर्मूला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का, तो स्टॉक को सेल्स को नोमिनेटर में लिखिए, स्टॉक को डिनोमिनेटर में लिखिए, इनटू 100 कर लीजिए परसेंटेज में निकालने के लिए। डेटर वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला है एवरेज डेटर अपॉन नेट सेल इनटू 12। अब दोस्तों नेट सेल कैसे निकलता है, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न को घटा दीजिए। और एक होता है COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहा जाता है, उसमें देखिए ये फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और दोस्तों एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला, इसमें से हम लोग सेल्स में से COGS को माइनस कर देते हैं। चलिए इसके अलावा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और देख लेते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस डेप्रिसिएशन। अब दोस्तों यदि आपसे ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट को नोमिनेटर में सेल्स को डिनोमिनेटर में इनटू 100 कर लीजिए। क्विक एसेट कैसे निकलता है, तो क्विक एसेट में होता है करंट एसेट माइनस स्टॉक। DSCR काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन अपॉन इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन प्लस इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन। ये DSCR को याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला है LTS लॉन्ग टर्म सोर्स, LTL प्लस नेटवर्थ, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस नेटवर्थ।
लॉन्ग टर्म दोस्तों इस फॉर्मूले को आप फिक्स एसेट प्लस नॉन करेंट एसेट को छोड़ दीजिए, आगे देखते हैं वर्किंग कैपिटल लिमिट ऑफ नायक कमिटी टर्नओवर मेथड। तो नायक कमिटी टर्नओवर मेथड में जो वर्किंग कैपिटल लिमिट है वो है 25% ऑफ प्रोजेक्टेड सेल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों टंडन का जो फर्स्ट मेथड था उसमें मार्जिन हम लोग WCG का 25% लेते हैं, और जो मैक्सिमम परमिसिबल बैंकिंग फाइनेंस होता है वो होता है WCG माइनस मार्जिन, ठीक है। तो WCG निकाल के उसमें से मार्जिन को हम लोग क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। यदि हम टंडन सेकेंड मेथड की बात करें तो मार्जिन जो है 25% लेते हैं, लेकिन किसका लेते हैं, करंट एसेट का लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको बताना चाहिए, ओके। और ये नायक कमिटी का था प्रोजेक्टेड सेल का 25%, चलिए सब क्लियर है आपको। उसके बाद दोस्तों WCG कैसे निकलेगा, WCG निकालने के लिए करंट एसेट माइनस अदर करंट लायबिलिटी को माइनस कीजिए, ठीक है। अदर करंट लायबिलिटी में क्या होता है, करंट लायबिलिटी माइनस बैंक बोरोइंग, ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म सोर्स माइनस लॉन्ग टर्म यूज। दोस्तों ये LTU जो मैंने बताया ना आपको, ये लॉन्ग टर्म यूज है, फिक्स एसेट प्लस नॉन करंट एसेट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कैश प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो होता है प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन, और रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला होता है नेट वर्थ अपॉन INW। तो दोस्तों ये सब आपका एक कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का लिस्ट है, इसको आप लोग 2-3 बार देखिए तो दोस्तों आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और क्वेश्चन ज़्यादातर यही सब फॉर्मूले से आएगा। तो बार बार इसे देखिए, रट रट लीजिए, अपने फिंगर प्रिंट्स पे रखिए इसको, समझ लीजिए कैसे क्या है, और निश्चित रूप से आपका केस स्टडी से आएगा। तो कल आप लोग एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छा करें एग्जामिनेशन में। दोस्तों कुछ टिप्स मैं देना चाहता हूँ एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो पेपर जब आपको मिले तो दोस्तों आप शुरू से 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक पहले एक बार देख लीजिए, हो सकता है आसान क्वेश्चन बीच में हो, तो पहले आप लोग पहला 10 से 20 मिनट में जो आसान क्वेश्चन रहेगा उसे एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। उसके अलावा दोस्तों जो क्वेश्चन आपको लगता है कि इसको मैं बाद में सॉल्व करूंगा उसको मार्क फॉर रिव्यू में डाल दीजिए। अब दोस्तों जब 20 मिनट हो जाए उसके बाद 20 या 10 मिनट अपने अकॉर्डिंग, जब आपने पूरा क्वेश्चन पेपर देख लिया और आपने कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब आ जाइए सेकंड राउंड पे। सेकंड राउंड पे दोस्तों जो आपने मार्क फॉर रिव्यू रखा है उसे अटेम्प्ट कीजिए, उसमें भले ही आपको 1-2 मिनट लगे तो सही बात है। तो ये मेथड को आप लोग अप्लाई कीजिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। मिलते हैं आप लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।